ओम शांति। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। अर्थात संगम युग पर स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित होते, ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को नया ब्राह्मण जन्म देते। बाबा कहते, यह ब्राह्मण जन्म हीरे समान है, क्योंकि इस जन्म में तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी अर्थात कोणी से हीरे तुल्य बनते हो। तो यह जन्म हुआ हीरे समान, क्योंकि इसी जन्म में तुम चढ़ती कला में जाते हो, बाकी हर जन्म में तुम्हारी कलाएं गिरती जाती हैं। तो अभी श्रेष्ठ संगम युग पर ऊंचे ते ऊंचा भाग्य विधाता भगवान तुम बच्चों को अपनी संतान बनाते, बाप टीचर सद्गुरु बनकर पढ़ाते और बाबा दूरांदेशी बनाते। दूरांदेशी का अर्थ बाबा बताते, तुम बच्चे दूर देश के रहने वाले हो, दूर देश के रहने वाले पिता परमात्मा की संतान हो, तो तुम दूर देश जाकर दूर देश को याद करते और दूर देश में रहने वाले पिता परमात्मा की याद से विकर्मों का विनाश करते, साथ ही पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करते। विशाल बुद्धि का अर्थ बाबा बताते, तुम बच्चों को स्वयं भगवान आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते, जिससे तुम विशाल बुद्धि बन जाते हो। तो यह ईश्वरीय जन्म श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचा जन्म है। इस जन्म में स्वयं भगवान हमें बाप टीचर सद्गुरु बनकर हमारा जन्म हीरे समान बनाते। इसीलिए बाबा कहते, देवता बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मनुष्य से देवता, कितनी सहज बात है। तुम हो विशाल बुद्धि, शास्त्र पढ़ने वालों को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, वह है भक्ति। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप देते हैं, बाप ही आकर तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं। सतयुग में तुम हीरे जैसे थे, अब कोड़ी मिसल बन गए हो। तो अब इस श्रेष्ठ जन्म में स्वयं ईश्वर अपनी संतान बनाकर हम बच्चों को हीरे जैसा विशाल बुद्धि दूरांदेशी बनाते। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? उत्तर में बाबा समझाते, बाप को याद करने से, बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना अर्थात मन मनाभव होना। तो बाबा कहते, मन मनाभव का अर्थ ही है दूरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। अर्थात बाबा आकर पहले हमें स्वयं का नॉलेज देते, हमारा नॉलेज देते और अपने घर की नॉलेज देते, तो हम उस निराकार पिता परमात्मा को अपने घर निराकार धाम जाकर याद करते। तो बाबा कहते, तुम दूरांदेशी बनते। और जब बाबा आकर हमें ज्ञान सुनाते, ज्ञान के आधार पर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर विशाल बुद्धि बनाते। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं।
बाबा हम बच्चों को गीत द्वारा समझाते सब तो यात्रा करते हैं देह की, खर्च करते हैं, थकते हैं, परेशान होते हैं। तुम बच्चे घर बैठे ही अपने चारों धाम को बुद्धि से याद करते तो बाबा कहते तुम्हारे तीर्थ हैं न्यारे। चार तीर्थ हैं बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ। एक और धाम बाबा बताते दूर देश अर्थात परम धाम। परम धाम की यात्रा करके हम पिता परमात्मा की याद से दूरांदेशी विशाल बुद्धि बनते। बाबा कहते विशाल बुद्धि तो बहुत बच्चे हैं पर दूरांदेशी कम है, बाप की याद में कम रहते हैं। यदि बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो, हल्के होकर बुद्धि साफ स्वच्छ पवित्र बन जाए। और औरों को भी आप समाने का, आप समान बनाने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि बाबा आकर हमें विशाल बुद्धि दूरादेशी बनाते तो बाबा कहते सबको दूरादेशी विशाल बुद्धि बनाओ, एक बाप का परिचय दो, बाप के वर्षे का अधिकारी बनाओ, क्योंकि यह युग है ही कल्याणकारी। तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाएं। यूं तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर हर एक का धंधा अपना अपना है, तो यह आना चाहिए कि कैसे औरों को बाबा कहते दुबन अर्थात दलदल से निकालूं। कई तो दलदल से निकलने, बाबा कहते कई बच्चे तो औरों को दलदल से निकालने जाते फिर खुद ही दलदल में फंस जाते। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, पहले अल्प को समझाओ तो बे अर्थात बादशाही को भी जान जाएंगे और सृष्टि चक्र को भी जान जाएंगे। पहले अल्प को तो जानो, कोई हजार दफा लिख कर दे कि अल्प कौन है तुम यहां बैठ सके। बाबा कहते कोई कितनी भी बार लिखे कि अल्प कौन है और जब उसकी बुद्धि में बैठे तो वह यहाँ बैठ सके। कई तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं फिर भी चले जाते हैं। माया कम थोड़े ना है, माया थप्पड़ लगा देती है, एकदम मुख मोड़ देती है। आज बाबा ने महावाक्य में मम्मा जी के अनमोल महावाक्य रखे जिसमें मम्मा जी ने अटेंशन खिंचवाया कि हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले बुद्धि में कौन सी पॉइंट रखनी चाहिए। तो मम्मा कहती पहला पॉइंट, पहले पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है हम सभी मनुष्य आत्माएं और परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्मा बच्चे हैं और परमात्मा बाप अलग अलग चीज है। तीसरी पॉइंट मम्मा कहती बेअंत ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। दुनिया वाले कहते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, पर परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही तुम बच्चों को मिलता है। जैसे बैरिस्टर बैरिस्टरी, डॉक्टर डॉक्टरी सिखाते हैं, ऐसे ही मैं खुद आकर मेरा स्वयं का ज्ञान सुनाता हूं, कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ाता। चौथी पॉइंट मम्मा समझाती कि संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत में सतयुग के आदि में स्वयं भगवान अनेक अधर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने के लिए आता है जिसे गीता कहा जाता है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, कृष्ण तो आते सतयुग में है, मनुष्य तो कहते कृष्ण द्वापर में आते हैं और गीता का भगवान भी कृष्ण को कहते हैं, पर स्वयं भगवान निराकार परमात्मा शिव गीता ज्ञान सुनाकर अनेक धर्मों अधर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं।
पांचवी पॉइंट मम्मा समझाती, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ, वो गुरु कौन है, मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने पांच विकारों पर जीत कैसे पहननी है। छठी पॉइंट मम्मा समझाती, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और सातवीं पॉइंट में मम्मा कहती, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब यह सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ज्ञान कहा जाता है। वरदान दिया बाबा ने, वरदान में बाबा कहते, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भाव, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भाव। उमंग उत्साह में वे बच्चे रह सकते जो प्राप्तियों को अपनी स्मृति में रखते, इस नए ईश्वरीय जीवन को स्मृति में रखते, स्व चिंतन करते पिता परमात्मा के ज्ञान के मनन चिंतन में और पिता परमात्मा की याद में बिजी रहते, अर्थात कोई भी कर्म करते उस पिता करावन हार को साथी सहयोगी बनाकर साथ रखते, तो बाबा कहते उमंग उत्साह बना रहेगा, उड़ती कला की अनुभूति होती रहेगी और कर्मयोगी बन जाएंगे। तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय बाबा की याद में रहना, हर कर्म करते बाबा को याद कर बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करना। इसीलिए बाबा कहते उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं, उमंग उत्साह का रस है। तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन में बाबा कहते जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं, उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं, उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अर्थात जो बच्चे खुद को आत्मा अनुभव करते, पिता निराकार परमात्मा की याद में रहते और सदा चढ़ती कला का अनुभव करते, उन्हें पांच तत्व अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। वे सदा न्यारे और प्यारे उपराम, कमल फूल समान, फरिश्ता समान रहते। अच्छा, ओम शांति।